अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और मौसम ऐसा हो रहा है कि हवा चलने लगती है, कभी कभी तेज़ धूप निकल जा रही है और बादल देखिए इस तरह से हो रहे हैं। छत पे मैं आई थी तो आज मैंने सोचा कि एक्सोरा प्लांट की वीडियो बनाई जाए। ये मेरा जो एक्सोरा प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्लांट जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बंचेस में फूल खिलते हैं इसमें और धीरे धीरे खिलते खिलते एक महीने तक चलते हैं। तो इसका वीडियो बनाने की मैंने सोची। ये जो प्लांट है मेरा वो 6-7 साल पुराना है। तो हमारे घर में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो लेबर्स ने इसकी कुछ शाखाएं तोड़ दी थी। इससे पहले एकदम गोलाई में मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, बहुत अच्छा था, इसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। देखिए अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसकी पत्तियां देखिए कितनी लश ग्रीन है। और इसके बारे में मैं आपको आज कुछ जानकारी दूंगी, जैसे पॉट कैसा होना चाहिए, मिट्टी किस तरह की होना चाहिए, धूप की रिक्वायरमेंट कैसी है और पानी। इन बातों की बात एक के बाद एक मैं जानकारी दूंगी। पॉट का चुनाव करते समय ऐसा पॉट ले जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाए, वेल ड्रेन्ड, क्योंकि इसको जो सॉइल है वो वेल ड्रेनिंग पसंद है और इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, इसलिए मैं इसको पूरा करने के लिए, मेरे हाथ में दिख रही है आप देखिए फिटकरी है, फिटकरी को मैं इसको मिट्टी में इस तरह से दबा दूंगी। धीरे धीरे पानी के साथ ये घुलती जाएगी, पानी डलता जाएगा, धीरे धीरे घुल के ये सॉइल को एसिडिक बना देगी। अब धूप, धूप इसको 5-6 घंटे की अच्छी धूप इस प्लांट को चाहिए। पानी, पानी इतना डालें कि इसकी जो मिट्टी है में नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी से रूट्स खराब होने का डर रहता है। आप चाहें तो इसमें बदल बदल के खाद डाल सकते हैं, कभी आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो कभी DAP डाल दें, कभी घर की बनी ऑर्गेनिक खाद जिससे इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिले। ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसकी पत्तियाँ यहाँ से सूख रही हैं और इनका कलर भी फेडेड है, ग्रीन नहीं है। जिस तरह से मेरे उस प्लांट की पत्तियाँ रेड ग्रीन है, उस तरह से ये पत्तियाँ नहीं हैं। तो इसमें मुझे DAP डालना होगा ताकि इसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके और कंपोस्ट इससे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसको मिल सके। एक्सोरा का जो प्लांट है ज़मीन में तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो हमको सारी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।